ये कहानी एक ऐसे ग्रुप के ऊपर है जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट से अपने कॉन्टिनेंट की रक्षा करने के लिए बीच समुद्र में बने एक मिलिट्री बेस पर होते हैं, जहां पर हर दो साल में स्टाफ को लेने रेस्क्यू टीम आती है। लेकिन इस बार इस ग्रुप को लेने कोई नहीं आया, और अब इस ग्रुप के साथ क्या क्या होगा और ये लोग समुद्र के बीच कैसे सरवाइव करेंगे, ये सब आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। वेल, इस फिल्म को टैनल टूम नाम के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, जो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए टाइम को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के हमारी कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लास्ट सेंटिनल। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2063 से, जहां पर हमको दिखाया जाता है कि पृथ्वी के बढ़े हुए तापमान और इंसान की गलतियों की वजह से सी लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, और ज्यादातर पृथ्वी अब डूब चुकी है। लेकिन फिर भी अभी तक पृथ्वी के दो कॉन्टिनेंट्स पूरी तरह से बचे हुए हैं, पर दोनों मिलकर रहने के बजाय बचे हुए रिसोर्सेस के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिस वजह से अक्सर इन दोनों के बीच वॉर होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए दोनों के बीच में इनमें से एक कॉन्टिनेंट ने अपने मिलिट्री बेस को बनाया, ताकि इससे पहले कि कोई दूसरा कॉन्टिनेंट हमला करे उसको रोका जा सके। इस बेस का नाम सेंटिनल था, और ये समुद्र के ठीक बीच में बनाया गया है। इसी वजह से यहाँ पर हर दो सालों में स्टाफ को बदल दिया जाता है। हर दो साल में यहाँ ड्यूटी देने वालों को लेने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन इस बार ड्यूटी कर रहे स्टाफ को अभी तक कोई भी लेने नहीं आया। इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 2 साल और 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक इनको लेने कोई नहीं आया। ये चार लोग होते हैं, जिनके नाम सिलेवन, बेन्स, कैसिडोर और हेंड्रिक्स हैं, जिनमें से हेंड्रिक्स इनका कैप्टन होता है। एक रात काफी तेज तूफान आता है, जिस वजह से समुद्र में भी काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं। लेकिन उसी दौरान सलीवन फिशिंग कर रहा होता है, जिसने काफी सारे फिश पकड़ी होती हैं। उसका पूरा नेट फिश से भरा हुआ है, जिस वजह से उसे ऊपर खींच पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि तूफान बहुत तेज था और समुद्र में भी काफी हलचल हो रही थी। इसी बीच अचानक से आउटपोस्ट का ड्रेनेज पाइप टूट जाता है, जिस वजह से बेन्स को उसको ठीक करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन उसे ठीक करते समय बेन्स का हाथ पाइप पे फंस जाता है, जिस वजह से वो बहुत से बाहर निकल पाता है। वहीं दूसरी ओर सलीवन के हाथ से फिश से भरा नेट पानी में गिर जाता है, जिससे सारी मछलियां भी पानी में बह जाती हैं। सलीवन दोबारा से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके पास खाने की कमी थी और ऐसा मौका इनको फिर नहीं मिलेगा। लेकिन तूफान तेज होने की वजह से उसे हार माननी पड़ती है, और सलीवन एक बड़ी सी लहर को आता हुआ देखकर हेंड्रिक्स के साथ अंदर आ जाता है। ये लहर इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि जब ये सेंटिनल से टकराती है तो वो उसको पूरा हिला कर रख देती है, जिसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सलीवन और बेन्स पिछली रात के फिशिंग के टॉपिक को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि सलीवन मछली पकड़ने में नाकामयाब रहा, इसीलिए बेन्स उसको ताने मार रहा होता है। उन दोनों को लड़ता देख हेंड्रिक्स उनको ऐसा करने से मना करता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ काफी लंबे समय से घर न जा पाने के कारण बेन्स काफी ज्यादा गुस्सा था। वो हेंड्रिक्स से कहता है कि आप हमको आदेश देने के बजाय कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करके ये क्यों नहीं पूछते कि हमें अभी तक कोई क्यों नहीं लेने आया। जिस पर हेंड्रिक्स बोलता है कि टेलीग्राफ मशीन इन फालतू कामों के लिए नहीं है, बल्कि रिपोर्टिंग करने के लिए है, और इतना कहकर हेंड्रिक्स वहां से चला जाता है, जिसके बाद सलीवन टेलीग्राफ के जरिए आज की रिपोर्टिंग बेस को दे देता है। दरअसल सलीवन हर रोज सिर्फ नो इवेंट्स लिखकर बेस को भेज रहा था, जिसके जवाब में उसको भी सिर्फ वही मैसेजेस वापस मिल रहे थे। इसी बीच हेंड्रिक्स को एक पानी का जहाज आता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उस शिप को रडार से कंफर्म करने को कहता है। पर इस जहाज को आता देख सलीवन काफी खुश होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उनको लेने के लिए रेस्क्यू टीम आ रही है। लेकिन फिर भी हेंड्रिक्स सभी को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये शिप दुश्मनों की भी हो सकती है। इसीलिए कैसिडी उस शिप से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए हेंड्रिक्स हथियार तैयार करने के लिए कहता है, और साथ ही में वो सलीवन को एक गन देकर कहता है कि तुम जाकर उस शिप को चेक करो, जिसके बाद वहाँ की जो स्थिति हो उसके बारे में हमें खबर करो। सलीवन को ना चाहते हुए भी अपने कैप्टन की बात मानकर उस शिप पर जाना पड़ता है, लेकिन तभी अचानक से उसका संपर्क हेंड्रिक्स से टूट जाता है। सलीवन उस शिप के अंदर पहुंचकर वहाँ चारों ओर घूमकर देखने लगता है, जहाँ उसे हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई नजर आती है, लेकिन उस शिप में खाने के लिए काफी कुछ रखा होता है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये शिप ऐसे ही काफी दिनों से भटक रही हो। सलीवन को यहाँ पर चार बैग्स भी दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है
कि यही उनकी रेस्क्यू शिप है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या था और सब लोग कहाँ गए। सलीवन को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसी बीच सेंटिनल में जब हेंड्रिक से सलीवन की बात नहीं हो पाती तो उसको लगता है कि वो शिप दुश्मनों की है और शायद उन लोगों ने सलीवन को मार दिया है। हेंड्रिक्स अब उस शिप को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता था। वो कैसिडी से हथियार को एक्टिवेट करने की चाबी मांगता है, जिसको देने से कैसिडी इनकार कर देती है। लेकिन जब हेंड्रिक्स को ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो मजबूरन वो चाबी कैसिडी को उसको देनी पड़ती है। मगर इससे पहले हेंड्रिक्स हथियारों को एक्टिवेट कर पाता, उसको सलीवन खुद कॉन्टेक्ट कर लेता है। यहाँ हेंड्रिक्स कैसिडी से गुस्सा होकर कहता है कि तुम आज के बाद कभी भी मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार मत करना। ये कहकर हेंड्रिक्स उस चाबी को वापस कैसिडी को देने के बजाय अपने पास ही रख लेता है। इसी दौरान सलीवन भी शिप से वापस लौट आता है। वो आते ही हेंड्रिक्स को सब कुछ बता देता है। वो उससे कहता है कि हमें इस शिप के बारे में बेस को खबर देनी चाहिए, लेकिन हेंड्रिक्स उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो पहले और ज्यादा छानबीन करना चाहता था, उसके बाद ही वो बेस को इसके बारे में डिटेल में बताना चाहता था। जिसके बाद ये सभी लोग एक एक करके आयोडीन बात लेते हैं ताकि इन्हें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। सभी हेंड्रिक्स के इस रवैये से परेशान थे, इसीलिए सलीवन बिना उसको बताए बेस को टेलीग्राफ से मैसेज कर देता है। ये बात कैसिडी और बेंस दोनों को ही पता थी। जिसके अगले दिन जब ये दोनों बेस के रिस्पांस का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हेंड्रिक्स आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि वो सब यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, जिस पर बेंस उसे ताना देते हुए बता देता है कि हम सब बेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सलीवन ने उन्हें कल ही रिपोर्ट भेजकर सब कुछ बता दिया था। ये बात सुनते ही हेंड्रिक्स सलीवन पर भड़क जाता है। लेकिन इसी बीच इनको टेलीग्राफ मशीन से एक मैसेज रिसीव होता है और वो मैसेज देखकर सभी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि सलीवन ने पिछले दिनों जो भी मैसेज भेजे थे कंप्यूटर ने उसको वही मैसेज वापस भेज दिए होते हैं। मतलब कई हफ्तों से ये मशीन सलीवन का भेजा हुआ मैसेज ही उसे वापस भेज रही थी। ये सब होने के बाद हेंड्रिक्स को किसी चीज का शक होता है और वो शिप के नेविगेशन हिस्ट्री से सारे कोऑर्डिनेट्स निकालकर उन्हें सेंटिनल में रखे हुए मैप में ढूंढने लग जाता है। इससे हेंड्रिक्स शिप के रूट का पता लगाएगा। जबकि दूसरी ओर सलीवन बेंस को रात के समय चुपके से शिप के अंदर जाते हुए देख लेता है। मतलब कि बेंस के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। बेंस के वापस आने पर सलीवन उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात को शिप पर क्यों गए थे, जिस बात का बेंस कोई जवाब ही नहीं देता। सलीवन दोस्तों की तरह उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है, जहां बेंस आखिरकार अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि मैंने अपने परिवार को 2 साल पहले देखा था, इस वक्त वो कहां होंगे मुझको नहीं पता, इसलिए मुझे कुछ भी करके यहां से निकलना है, जिसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं इस शिप के इंजन को रिपेयर करके यहां से निकल जाऊंगा। बेंस के आइडिया को सुनकर सलीवन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसमें इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो ये बात आकर कैसिडी से शेयर करता है। वो कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों अपना खुद का एक संसार बसाएंगे। लेकिन कैसिडी इस बात से कुछ खास खुश नहीं होती। अगले दिन सलीवन और बेंस साथ में उस शिप में जाते हैं, जहाँ दोनों मिलकर किसी तरह से शिप के इंजन को ठीक भी कर देते हैं। पर जब दोनों वापस सेंटिनल पर लौटते हैं तो वहाँ हेंड्रिक्स दोनों का पहले से इंतजार कर रहा होता है। हेंड्रिक्स उनको ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम दोनों वापस जाकर शिप के जरूरी पार्ट्स खोल कर ले आओ और बाकी के शिप को वहीं डूबने के लिए छोड़ दो, साथ ही तुम दोनों घर जाने की जिद भी छोड़ दो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तो क्या हुआ, इसके बावजूद भी तुमको यहाँ पर गार्डन का काम करना होगा। उसके इस ऑर्डर को बेंस और सलीवन मानने से इनकार कर देते हैं, जिस पर हेंड्रिक्स अपनी गन निकाल लेता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी दोनों को रिपेयरिंग का काम बंद करना पड़ता है। हालांकि अभी उन्होंने हेंड्रिक्स का शिप को डुबा देने वाला ऑर्डर नहीं माना, क्योंकि उस समय हेंड्रिक्स को कोई जरूरी बात करने के लिए कैसिडी ने बुला लिया था, जहां कैसिडी हेंड्रिक्स से बताती है कि असल में हमारे ही कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि टेलीग्राफ मशीन में कुछ खराबी है क्योंकि हमारे मैसेजेस बेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी ओर हम सलीवन को अकेले देखते हैं, जहां हेंड्रिक्स उससे मिलने के लिए आता है। वो सलीवन से कहता है कि मैंने और कैसिडी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम दोनों यहीं पर रहेंगे और तुम दोनों को मेरी एक चिट्ठी जाकर बेस में देनी होगी क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है, इसीलिए हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बात सुनकर बेंस तो बहुत खुश होता है, लेकिन सलीवन थोड़ा दुखी होता है क्योंकि वो अपने साथ कैसिडी को भी लेकर जाना चाहता था, जिस बारे में बात करने के लिए वो कैसिडी के पास जाता है। सलीवन उसको बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो और हेंड्रिक्स को यही सड़ने दो, मगर कैसिडी अपनी मर्जी से यहाँ रुकना चाहती थी। वो सलीवन से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो भी हमारे बीच हुआ वो सब मैंने टाइम पास करने के लिए किया था, इसलिए तुम यहाँ से निकलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। कैसिडी की ये बात सुनकर सलीवन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है,
लेकिन इसके कुछ देर बाद हम हेंड्रिक्स को फिर से शिप से मिले कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हुए देखते हैं, जिससे उसको बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। दरअसल इन चारों में से कोई तो था जिसने जानबूझकर रेस्क्यू शिप को गलत कोऑर्डिनेट्स देकर उसे सेंटिनल से दूर रखा। मतलब कि इनमें से कोई तो है जो दुश्मन से मिला हुआ है, बाकी चारों में से वो कौन है इसका तो खुद हेंड्रिक्स को भी अंदाजा ही नहीं था। अगले दिन सुबह इन्हें अपनी तरफ एक और शिप आता हुआ दिखाई देता है। कैसिडी उस शिप से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। इस बार हेंड्रिक्स किसी को भी शिप पर चेक करने के लिए नहीं भेजता और इस बार बिना सोचे वो उस शिप पर हमला कर देता है, लेकिन उसका यह निशाना चूक जाता है। बाकी रेस्क्यू शिप का भी कुछ अता पता नहीं था, जिसके बाद कोहरे को चीरते हुए इनके सामने वही शिप आ जाती है, जहां पर इनको पता चलता है कि ये तो असल में कोई दूसरी शिप नहीं बल्कि वही रेस्क्यू शिप है। और इसी के साथ ये रिवील हो जाता है कि ये सब हेंड्रिक्स ने किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इस जगह से जाए, इसीलिए उसने पिछली रात इस शिप को दूर ले जाकर खड़ा कर दिया ताकि वो उन लोगों को बेवकूफ बनाकर इस शिप को तबाह कर सके। जब सलिवन शिप पर हेंड्रिक्स के कहने के बावजूद भी हमला नहीं करता तो हेंड्रिक्स बेन पर गोली चला देता है, जो गोली उसके कान को छूकर निकल जाती है। ये देख बेन्स के मना करने के बावजूद सलिवन अपने दोस्त को बचाने के लिए तोप से आखिर उस शिप को उड़ा ही देता है, जिस दौरान मौका देखकर कैसिडी हेंड्रिक्स को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। बेन्स हेंड्रिक्स को जान से मारना चाहता था, लेकिन सलिवन उसको ऐसा करने से रोक देता है और वो हेंड्रिक्स को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। इस बात पर बेन्स की सलिवन से झड़प हो जाती है। कैसिडी बेन्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन्स वहां से चला जाता है। साथ ही अब सलिवन और कैसिडी फैसला करते हैं कि वो दोनों टेलीग्राफ की हर फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे जब तक कि उनका किसी और से संपर्क नहीं हो जाता। इसी बीच कैसिडी सलिवन से माफी भी मांगती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे रह जाओ। जिस पर सलिवन कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन अब उसको कैसिडी की बातों का विश्वास नहीं था, इसीलिए वो अपनी तरफ से छानबीन करने का मन बनाता है, जिसके बाद सलिवन हेंड्रिक्स को खाना देने के बहाने उससे बात करने के लिए जाता है। यहाँ वो हेंड्रिक्स से सवाल करता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ हेंड्रिक जो तुमने अपना इरादा ही बदल दिया। जिस बात पर हेंड्रिक्स उसे कोऑर्डिनेट्स की गड़बड़ वाली बात बताकर ये कहता है कि उन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से रेस्क्यू शिप यहाँ 3 महीने पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन हम में से किसी ने उसे गलत कोऑर्डिनेट्स देकर उसका रास्ता भटका दिया। बाकी उसमें मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ इसका अंदाजा लगाना अब इतना भी मुश्किल नहीं था। सलिवन उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम में से कोई गद्दार है, जिसका हेंड्रिक्स हाँ में जवाब देता है, लेकिन सलिवन को उसकी बातें बकवास लगती है, इसीलिए वो हेंड्रिक्स को वहीं बंद करके बाहर चला आता है और इसके बाद वो हर एक फ्रीक्वेंसी पर मैसेज करना शुरू कर देते हैं। इधर बेन्स नशे में धुत होकर अपने आपे से बाहर होता जा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए जब कैसिडी कम्युनिकेशन रूम में सो रही होती है तो बेन्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे किसी तरह से कैसिडी खुद को बचाती है। लेकिन अगले ही पल कैसिडी को पता चलता है कि बेन्स ने एक्सप्लोजिव्स और हथियारों की चाबी उससे चुरा ली है, इसीलिए वो तुरंत जाकर ये बात सलिवन को बता देती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर बेन्स को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हथियारों को एक्टिवेट करने जा रहा था। कैसिडी आखिर में बेन्स को ये कहकर रोक लेती है कि अगर तुम मर गए तो अपने परिवार से कैसे मिलोगे। ये बात सुनकर बेन्स रोने लग जाता है और कैसिडी उससे चाबियां वापस ले लेती है, लेकिन सलिवन इन हथियारों को लॉक करना चाहता था ताकि ऐसा कुछ कोई दोबारा ना कर पाए, जिसके लिए उसे पासवर्ड की जरूरत थी और वो पासवर्ड हेंड्रिक्स के पास था, इसलिए सलिवन उससे पासवर्ड पूछने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे बेन्स रोककर बताता है कि मैं सबसे पहले हेंड्रिक्स को ही मारने गया था, पर मेरे पहुंचने से पहले ही उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर सलिवन हेंड्रिक्स के रूम में जाता है और वहां चेक करता है, वहां पर सच में हेंड्रिक्स नहीं था। इसीलिए सलिवन हेंड्रिक्स की दी हुई चिट्ठी को पढ़ता है, जिसमें हेंड्रिक्स ने अपनी कमांड को बढ़ाने की विनती की होती है। अगले दिन कैसिडी सलिवन को दिखाती है कि कैसे बेन्स वापस से नॉर्मल होकर अपना काम कर रहा है। बेन्स यहाँ दोनों से कहता है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मुझे अपने बच्चे का चेहरा देखना है, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसकी ये बात सुनकर सलिवन बेन्स को गले से लगा लेता है, जिसके कुछ देर बाद बेन्स और कैसिडी साथ में समुद्र के कचरे से अपने काम की चीज लेने के लिए चले जाते हैं।
बीन्स के साथ कैसिडी को अकेला जाते देख सलीवन उसको गन देता है ताकि कैसिडी अपनी रक्षा खुद कर पाए। उसी बीच सलीवन मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंकता है जिसमें अचानक से हेंड्रिक्स की डेड बॉडी फंस जाती है और सलीवन देखता है कि किसी ने हेंड्रिक्स के सर पर वार करके उसको मारा है। मतलब कि सच में इनके बीच में कोई गद्दार मौजूद है, जिसका पता लगाने के लिए सलीवन बेन्स और कैसिडी के रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है, जिस दौरान हमें कैसिडी को दिखाया जाता है जो बेन्स को काफी अजीब तरह से देख रही थी। इधर जब रिकॉर्ड से सलीवन को कुछ नहीं मिलता तो वो हेंड्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स वाली बात पर गौर करता है, जिससे उसको पता लगता है कि जब रेस्क्यू शिप यहाँ पहुंचा तो किसी ने उसे गलत कोऑर्डिनेट्स देकर रास्ता भटका दिया और मौका पाकर उनको मार भी डाला। इसके बाद शिप यहीं पानी में भटकती रही। इसी बीच वहाँ कैसिडी भी वापस आ जाती है। वो काफी ज्यादा रो रही थी। वो सलीवन से बताती है कि किसी चीज को पानी से निकालने के चक्कर में बेन्स पानी में गिरकर मारा गया। इस घटना से सलीवन को पूरा यकीन हो चुका था कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि कैसिडी ही है। फिलहाल तो वो अभी उसको कुछ भी नहीं कहता। और जब अगले सुबह कैसिडी सोकर उठती है तो सलीवन वॉकी टॉकी पर उसको बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो गद्दार तुम ही हो जो हथियारों पर कब्जा करना चाहती हो, इसीलिए तुमने हेंड्रिक्स और बेन्स की जान ली है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। वहीं कैसिडी को पता चलता है कि सलीवन ने उसके पास से हथियारों की चाबी चुरा ली है, जिस वजह से वो तुरंत भागते हुए कम्युनिकेशन रूम की तरफ जाती है, जहां सलीवन एक्सप्लोजिव्स और हथियारों को एक्टिवेट करके इस सेंटिनल सहित सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। सलीवन कैसिडी के इस धोखे से पूरी तरह से टूट चुका था। कैसिडी उससे विनती करते हुए कहती है कि मेरे कॉन्टिनेंट के लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, उनके लिए मैंने ये सब किया। पर सलीवन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और आखिर में वो एक्सप्लोजिव्स और सारे हथियारों को एक्टिवेट कर देता है। उसके एक्टिवेट करते ही स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आता है। दरअसल बेन्स ने इस सिस्टम में इस तरह से बदलाव कर दिया था कि कोई चाहकर भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था। ये बात जानकर सलीवन और कैसिडी दोनों ही हार मानकर बैठ जाते हैं। वो दोनों मिलकर अब ये तय करते हैं कि चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट यहाँ हमला करे या कब्जा करने की कोशिश करे, लेकिन हम दोनों मिलकर उनसे अपने इस सेंटिनल की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये अब हम दोनों की दुनिया है जहाँ हम दोनों साथ में खुशी से रहेंगे। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, इस मूवी में हर कोई अपनी अपनी मजबूरी से मजबूर था। बाकी आप हमको कमेंट करके जरूर बताना कि जो कैसिडी ने किया क्या वो सही था या फिर गलत। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।